नमस्कार मित्रों, मैं राजेश कुमार म्यूजिक ग्राम पर आप सभी का दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग काफी अच्छे होंगे और काफी दोस्तों प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और जल्दी से जल्दी आप लोग गाना निकालना दोस्तों सीख जाए। तो दोस्तों मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि मेरी वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। स्किप करने पर बातें आपको समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए आप वीडियो बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनों को शेयर दोस्तों जरूर कीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की बात हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दोस्तों जरूर कीजिए। कमेंट्स करने से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लोग कमेंट्स करते हैं, जो भी करते हैं मुझे अच्छा लगता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए मैं एक नए टॉपिक पे चलता हूँ। नए टॉपिक नहीं है, एक बात बार बार आती है कि गाना निकालना। अब सिर्फ गाने निकालने की बात है, आज मैं स्वर ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। गाना, इसमें स्वर ज्ञान तो अपने आप ही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि कोई भी गाना निकालना हो दोस्तों तो सबसे पहले जरूरत क्या होती है कि गाने की सा कहाँ है। देखिए दोस्तों, सा, गाने की सा यानी कि क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा गाने की सा की बात, लेकिन गाने की सा का मतलब क्या? गाने की सा का मतलब ये है दोस्तों कि उसमें उस गाने का स्टार्टिंग कहां से होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, इसका सा ढूंढना। देखिए मैं बहुत ही आसान तरीका आज आपको बता रहा हूं कि गाने की सा कैसे ढूंढेंगे। गाने की सा यदि आपने ढूंढ लिया दोस्तों तो समझ लीजिए कि गाना निकालना आपको आ गया, वो आगे की तरफ आप बढ़ गए। आ गया नहीं कहेंगे, कहेंगे ये कि हम लोगों की गाड़ी जो है आगे की तरफ बढ़ गई। गाना, गाने की सा जो होती है ना, वो कैसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे उसको कि गाने की सा कौन सा है। तो देखिए बहुत सारी बातें हैं। अब देखिए जैसे मैं एक गाना लेता हूं, एक गाना है ये शाम मस्तानी, मैं ऑडियो पे बजा नहीं रहा हूं, मैं ऐसे ही गुनगुना कर दे रहा हूं। जैसे एक गाना है दोस्तों, ठीक है, जैसे अगर ये गाना है, मान लिया जाए कि गाना है ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मान लीजिए इस तरह से है। ठीक है, तो इसको ढूंढेंगे कैसे? तो जैसे यानी यहां है, हमने क्या किया, तो ये गाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये पकड़ा गया यहां से, तो ये ऐसा है गाना, ऐसा था। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने ये बताया आपको कि आप गाने को सुनिए और उसमें कीजिएगा एक पहला स्टेप बता रहा हूं। आगे मैं अगली वीडियो में गाने के साथ भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यहां आप बेसिक समझ लीजिए, इससे आप जल्दी समझेंगे, वो ज्यादा एडवांस हो जाएगा। तो ये गाना था ये शाम मस्तानी, तो यहां मिल गया। इसका मतलब इस गाने की स्केल यही है, इस गाने की स्केल दोस्तों यही है और ये इसका सा यही बनेगा, म इसका यानी तीसरी काली इसकी सा बन जाएगी, है ना। ये मैं सा के लिए बता रहा हूं, इसलिए सा पर ही मैं फोकस करता हूं। और एक गाना और मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं पहले भी ये गाना बता चुका हूं, किशोर कुमार जी का गाया हुआ है,
मेरे महबूब कयामत होगी। ठीक है, मैं स्केल ले रहा हूं। ठीक है, अब आपको ढूंढना है। देखिए यहां से चौथी गली से, जैसे गाना शुरू हुआ मेरे महबूब, मान लिया शुरू हुआ, देखिए मिल गया यहां, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। तो आपको ये सा मिल गया, इसका मतलब इस गाने की जो सा है वो चौथी काली है। अब अगर मान लीजिए एक और उदाहरण देता हूं कि गाना यही है, ठीक है, गाना यही है और कहीं हमने सुन लिया उसके नीचे से थोड़ा, तो उसका सा मान लिया, अगर कोई ऐसे कर गुनगुना दे, मान लिया कैसेट में ही है, सीडी में ही है, मोबाइल में ही है, तो ये तीसरी काली बन गई। ये तीसरी काली से हो गई, म से, यानी पहली काली के अनुसार म से। और रियल में जो गाना है, अगर हम स्केल बनाते हैं, तो ये चौथी काली में है, तो यहां से फिर चौथी काली से बजेगी। तो ये गाना हो गया। यानी कि सा को ढूंढना है दोस्तों, तो कैसे ढूंढेंगे, ये तरीका है। गानों को, गाने को सुनिए और गाने की अस्थाई, गाने का जो फर्स्ट पार्ट जिसको आप मुखरा कहते हैं, वो पार्ट जहां आकर खत्म हो वहां पर आप कीजिएगा उसकी आवाजें मिला लीजिएगा, स्टार्टिंग का या लास्ट का, और फिर इस तरह से आप ऐसा ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप सा ढूंढिए गाने की, गाने की सा मिला और आपकी गाड़ी आगे बढ़ गई। सा बहुत जरूरी होता है हर गाने की दोस्तों, सा होती है, जान लीजिए हर गाने की सा होती है, और हर गाने की सा को आपको ढूंढना होगा, और जो सा बनेगा वहीं से वो सरगम बन जाएगा, सारे का मा पधा निसा, उस जो सरगम बनेगा उसी के अकॉर्डिंग गाना बनता है। दोस्तों मैं एक एपिसोड में बता चुका हूं हर स्वर से सारे गमा पधा निसा, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि इतनी अच्छी चीज हमने बताया है और लोगों ने उसको बहुत कम देखा है, उसको बहुत देखिए दोस्तों, उसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जरूरी चीज है वो, उसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों गाने की सा को आप ढूंढिए, ठीक है, तो इस तरह से गाने की सा को ढूंढेंगे। अगर दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आइए, हमारे साथ जुड़िए, कमेंट्स कीजिए या व्हाट्सएप से जुड़िए। अगर उससे भी आपको लगता हो कि आपका काम नहीं चल रहा है, तो कॉल कर लीजिए दोस्तों, हमारा नंबर मेरी वीडियो पे जाती रहती है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों गाना निकालना मत भूलिए, गाना निकालना है, निकालना है और निकालना है और निकालना है दोस्तों, गाना निकालना आपको आएगा, आएगा और आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को देखिए, फॉलो कीजिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कीजिए, कमेंट्स कीजिए और व्हाट्सएप पे आइए दोस्तों, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और मैं और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक बार अगली वीडियो में, नमस्कार।